हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम। यहाँ पर सऊदी अरेबियन वॉर, सऊदी अरेबिया वॉर से जापान के बीच मैच हो रहा है 11:30 बजे। एंड बात करें, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो देखो इसके बाद अगर देखा जाए तो 2 मैचेस और हैं यूईएफए नेशंस के 12:15 बजे, उससे पहले ये मैच है, ठीक है। तो मतलब छोटे टाइम गैप में 3 मैच है, और मैं कहूँगा कि आपको जापान का मैच खेलना चाहिए। एक अमेजिंग मैच सीम हो रहा है, क्योंकि जापान टीम सऊदी से अच्छा खेलती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की लीग बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं लाइक रोनाल्डो, बेंजेमा। लेकिन अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया की जो खुद की टीम है वो थोड़ी सी कमज़ोर है एशिया के अंदर, जापान से अगर आप मुकाबला करते हो तो। आइंदा ये भी टीम दमदार है। उसके बाद जैसे 2:30 बजे एक मैच है, फिर 5:30, 7:30, वीडियो आपको सबकी मिलेगी। लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो आई एम विद पर्सनली जापान। तो आगे चलते हैं। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखिए भाई स्ट्राइकिंग के अंदर सालेम एक प्लेयर है, आज ये स्ट्राइकिंग कर रहा है, जबकि असल में यू ऑल नो दैट कि ये बंदा एक्चुअल में मिडफील्डर है, और इसका होना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ आप ऑपोजिशन टीम के लिए भी देख रहे हो, टीम मिनामिनो का नाम यहाँ पर, जबकि ये भी एक मिडफील्डर है। तो ये सोच के मेरे को बड़ी हैरानगी हो रही है कि मिनामिनो खिलाड़ी का नाम इन्होंने स्ट्राइकिंग में क्यों डाला, फिर ईटो का मिडफील्डिंग से हटाकर यहाँ क्यों डाला। मतलब हम सबको तो नहीं ले सकते। अब ये 5 प्लेयर आप देख रहे हो, 5ों इतने मेन है भाई, मतलब एक भी छूट गया तो डर लगेगा, क्या करें भाई, हम क्या कोई भी नहीं ले सकता 3 स्ट्राइकर। इसलिए सबसे पहले तो आप ना सालेम को लो, ब्रिकन को अभी आपको दुर्भाग्यवश छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिनामिनो को ले रहे हो। उसके बाद ईटो की जगह अभी ओएडा को सेव करो, ईटो अगर खेलेगा देन वी डिसाइड एट लास्ट, क्योंकि अभी डिसाइड करना बेकार है, क्योंकि लास्ट मैच में 10 सितंबर को ये एक सब्स्टिट्यूट था, तो अभी जज करना बेकार है। उसके बाद अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ तो के मिटोमा के साथ यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। मिटोमा को ज़रूर लो आप यहाँ पर, क्योंकि मिटोमा एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, जबकि लास्ट एक मैच हुआ था जापान का, शायद वो मेरे को याद नहीं है 5 को हुआ था शायद, लेकिन उसमें इसने 2 गोल किए थे। वो शायद मैच डोमेस्टिक था या इंटरनेशनल, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मेरे को इतना क्लियर है कि ये चलता खूब है। उसके बाद ना मेरे भाई यहाँ पर क्यूबो करके एक ऑप्शन है, देखिए मैं इन दोनों के साथ तो चले जाऊँगा, लेकिन डॉन छूट जाएगा, और आर डॉन को छोड़ना ना यार मेरे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मैं इसको कभी ड्रॉप करता नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ना अभी भी करूँगा, सोचूंगा, क्योंकि अभी जल्दबाजी में डिसीज़न लेना इज़ रॉन्ग, ठीक है। जैसे मोरिटा ने 10 सितंबर को 2 गोल कर दिए थे, तो अभी मैं जल्दबाजी में डिसीज़न कोई नहीं लूँगा। हो सकता है मैं मिटोमा को निकाल भी दूँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं मिटोमा की जगह डॉन को ले लूँ, तो अभी आप मेरी बात वो मत समझना 100% वाली, ठीक है। उसके बाद अगर ऑपोजिशन टीम की बात करें, जूवियर एक अच्छी फॉर्म में, जब इनकी टीम इंजर्ड थी डोमेस्टिक लेवल की, तो यही बंदा था जो अपनी टीम को हार से जीत की ओर लेकर गया। और अगर आगे बात करें तो इनकी टीम में और खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरे को ना या तो ये मिल जाए नासिर, अगर नासिर नहीं खेल रहा फिर तो मैं सीधा डिफेंडर लूँगा कोई, बट अभी नासिर को सेव करते हैं। एंड डिफेंडिंग सेक्शन की बात करें, के माचिदा, ठीक है, फिर मचिदा के बाद वाई सुगावारा के साथ यहाँ पर इसलिए जाऊँगा क्योंकि आज इसकी वापसी हो सकती है। उसके बाद तानी गुची करके एक प्लेयर है, जो कि एज अ 3rd डिफेंडर मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ, क्योंकि इस मैच में 4th डिफेंडर का ज़्यादा काम मुझे लग नहीं रहा। और बात करें गोलकीपिंग की, तो यहाँ पर भाई इनका एक प्लेयर है एल कासर, इसके साथ हम जाएंगे अगर खेला, अगर कासर ना खेला तो फिर हम लेंगे एम एल अरूबी को। तो बात करें कप्तान की, माई कैप्टन वॉज मिनामिनो, वाइस कैप्टन वॉज ईडो उडा सॉरी। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।